सो गाइज, मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे इंडिगो एप्लीकेशन को चालू करते हैं और किस तरह से टिकट बुक करते हैं। तो अगर आप सबको इस वीडियो की जानकारी पूरे चाहिए तो आपसे जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइज, जब सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और इंडिगो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज, ऑलरेडी मैं इंडिगो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद गाइज, आपको एक ऑप्शन आपको नीचे में मिलने वाला है ओपन का। तो फाइनली आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। गाइज, बता दूं कि अगर आप इंडिगो एप्लीकेशन से पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, यानी किस तरह कैंसिल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आपको पूरी जानकारी के लिए आप सबको इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। तो गाइज, सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ओपन पे क्लिक कर दिया हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक ऑप्शन इसमें रहता है साइन अप का, यानी साइन अप करना आपको मालूम है कि आप सब किसी भी तरीके से इसमें साइन अप कर सकते हैं, चाहे आप गूगल अकाउंट से कीजिए या फेसबुक से कीजिए या अपना मोबाइल नंबर से कीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, अगर आप सब इंडिगो एप्लीकेशन में साइन अप करना ही चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। तो चलो सबसे पहले मैं ही अपना मोबाइल नंबर से साइन अप करके आपको दिखलाने वाला हूं। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ऊपर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक नया नंबर, यानी एक नया नंबर मोबाइल नंबर डालिए जिस पे आपको ओटीपी आने वाला है। तो मोबाइल नंबर इधर आप डाल दीजिए। चलो फटाफट मैं अपना एक मोबाइल नंबर इधर से डाल देता हूं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस इधर एक ऑप्शन को मिलेगा सेंड ओटीपी का, यानी आप सबको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आना भी कंपलसरी है। तो ओटीपी जब तक आएगा तब तक आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होगा, तो इसके लिए आपको ओटीपी डालना कंपलसरी है। या कोई भी अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो उसमें एक ओटीपी का जरूरी रहता है डालना। तो गाइस देखेंगे, फाइनली हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है और अभी इंडिगो की तरफ से एक ओटीपी आया और ऑटोमेटिक ये डिडक्ट हो चुका है। तो कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है कंफर्मेशन हो जाएगा, यानी कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस फाइनली उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है, आपका मोबाइल नंबर ऊपर में ऑलरेडी जो आप डाले रहेंगे वो मोबाइल नंबर रहेगा ही। उसके बाद एक ईमेल आईडी, उसके बाद आपका नाम, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ का डालना पड़ेगा। तो चलो फटाफट मैं ये भी सब कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस फटाफट अपना ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जैसे चॉइस कर लिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ चॉइस करने कुछ इस तरीका से आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली डन पे क्लिक करने के बाद नीचे का ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट का। तो फाइनली आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस मैं फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हूँ। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका अकाउंट ऑलरेडी अब क्रिएट हो चुका है, यानी आप जो मोबाइल नंबर डाले, ईमेल आईडी डाले, वो सब आपका इधर फिल हो चुका है। अभी आपकी एक ऑप्शन मिलेगा टिकट बुक करने का, यानी आप कहां से कहां तक का टिकट बुक करना चाहते हैं वो इधर आपको चॉइस करना पड़ेगा। यानी एक बार के लिए चाहिए या रिटर्न का भी चाहिए, तो इधर आपको चॉइस करना। अगर रिटर्न का चाहते हैं रिटर्न पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप जाना चाहते हैं तो जाना के लिए वन टाइप आप देखेंगे, वन टाइप का ही आप इधर से बुक कीजिएगा टिकट। चलो फाइनली मैं एक ही, क्योंकि इधर से सिर्फ जाना चाहते हैं इसके लिए मैं इधर फर्स्ट वाला चॉइस कर लिया। उसके बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं उधर का एक नाम डाल दीजिए, जैसे कि पटना टू मुंबई मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन इधर मिलता है डेट का, यानी कौन सा डेट को आपको टिकट चाहिए। तो टिकट के लिए भी आपका एक डेट चॉइस करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली मैं 17 अप्रैल चॉइस किया हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा रुपया, यानी कौन सा रुपया में आप पे करना चाहेंगे, जो पेमेंट आप करेंगे तो कौन सा रुपीज करेंगे। यानी बहुत सारा देश का दिया गया, तो आप इंडियन कहें तो आप इंडियन रुपीज आपको इधर से चॉइस करना पड़ेगा। तो कहीं देखेंगे ऊपर मेरा ऑलरेडी इंडियन रुपीज चॉइस है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कितना आपका पैसेंजर है, इसके लिए आपको पैसेंजर का भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो इधर आपको प्लस वाले आकर जितना जितना बार आप प्लस करेंगे उतना बार आज इधर से पैसेंजर आपका बढ़ता रहेगा। तो अगर आप चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, यानी जो भी है इधर से आप जितना भी पैसेंजर है इधर से इंक्लूड करने का। फाइनली एक ऑप्शन आपको मिलेगा डन का, तो डन वाले क्लिक कर दीजिए। उसके बाद का ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्च फ्लाइट का, जो भी है सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का लिए आपके अलग सा रहता था। आप सीनियर सिटीजन का इसमें स्टूडेंट है, जो भी है, अगर आप कुछ भी इसमें मेंशन नहीं भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली आप सर्च फ्लाइट पर क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं सर्च फ्लाइट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप सर्च फ्लाइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे जितना भी फ्लाइट का, यानी इंडिगो का जितना भी टाइमिंग है, इस एप्लीकेशन में सिर्फ आपको इंडिगो का ही फ्लाइट आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको जो भी इंडिगो का टाइम है वो टाइमिंग आपका शो हो जाएगा। तो चलो हम एक इसमें से टाइमिंग चॉइस करते हैं। उसके बाद फाइनली आपको जितना भी कॉस्ट लगने वाला है वो अलग अलग रहती है, जो भी टाइम आप चॉइस करेंगे उस टाइम का जो कॉस्ट रहता है, यानी पैसा जो रहता है, वो अलग अलग पैसा रहता है। जैसे कि 12:05 में उसका जो कॉस्ट है 5571 रुपया है, जो कि पटना टू मुंबई के लिए है। तो इसका जो कॉस्ट रहेगा आपको अलग अलग कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। चलो इसमें से हम एक चॉइस कर लेते हैं जो कि 15:45 में है, वो मैं चॉइस कर लिया हूँ। उसके बाद देखेंगे
आपको जो ये छोड़ने वाला है क्या क्या इसमें आपको फ्री मिलने वाला है, इधर आपको पैसेंजर जो भी रहेगा आपको फ्री रहेगा, जिस भी जगह इस पर आपको मेंशन किया रहता है जो फ्री में आपको मिलने वाला है वो जिसका पेमेंट लेकिन लगने वाला है इधर आपको वो भी मेंशन किया रहता है। तो उसके बाद फाइनली आप एड ट्रिप पर क्लिक कर दीजिए। एड ट्रिप पर क्लिक करने के बाद का देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको इंडिकेट करेगा कि फ्लाइट सबसे पहले पटना के आप अगर मुंबई जाएंगे तो उससे पहले आपको रांची छोड़ेगा, रांची के बाद आपको मुंबई छोड़ने वाला है, यानी आपको इधर पूरी जो हिस्ट्री आपको बता देगा। उसके बाद आपको पेमेंट कितना की कब और कौन सा इंटरेस्ट लेके आपको लगने वाला है, कौन सा फी लगने वाला है, हर कुछ इसमें आपको मेंशन किया रहेगा। उसके बाद फाइनली आप टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए। उसके एक्सेप्ट करने के बाद क्या देखेंगे, एड पैसेंजर डिटेल्स यानी किसके नाम से आपको टिकट चाहिए उनका नाम आपको डालना पड़ेगा एड पैसेंजर के लिए। तो फाइनली चलो फटाफट में अपना पैसेंजर का नाम भी डाल देते हैं। उसके बाद फाइनली आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली एक टर्म एंड कंडीशन है उसका आपको फॉलो करना पड़ेगा इसमें भी। तो चलो फटाफट में ये सब पहले पहले जो भी मेरा नाम है वो मैं फिल कर देता हूँ। नाम वाम फिल करने के बाद गाइस इधर आप चाहते हैं एड फेवरेट करने के लिए तो फेवरेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई भी इशूज नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया इधर टर्म एंड कंडीशन, तो टर्म एंड कंडीशन का फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास GST नहीं है तो भी कुछ इशूज नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आप फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज मैं फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइज देखेंगे आपके सामने फिर एक अलग सा इंटरफेस आने वाला है, यानी किसके प्रोडक्ट के ऊपर कितना चार्ज लगने वाला है, कितना एक्सेस आप लेंगे तो कितना चार्ज लगने वाला है, उसका बायोडाटा आपको इधर से ही फिल करना पड़ेगा, यानी कितना बैग आपके पास है, क्योंकि इसमें आप 15 kg तक ही फ्लाइट में आप ले जा सकते हैं। अगर 15 kg से अगर 16 kg हो गया तो भी आपको उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होता है आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपसे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कभी कभी अगर आप फ्लाइट नहीं जाना चाहते हैं और कैंसिल करना चाहते हैं टिकट तो आपका पैसा आधा कट जाता है, तो इसके लिए आपको 49 रुपये अगर आप अभी पे कर देते हैं तो आपको ये जो है कैंसिलेशन का जो भी कॉस्ट रहेगा वो आपको नहीं कटेगा। एक्सेस बैग के ऊपर गाइस देखेंगे हर एक फ्लाइट का अलग अलग कॉस्ट रहता है, जो कि इन लीगों का है। अगर आप 3 kg ले जाएंगे एक्स्ट्रा तो आपको 1,140 रुपया पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार 5,000 पे 1,900 रुपया पे करना पड़ेगा, 10 kg पे 3,800 रुपया पे करना पड़ेगा, प्रति 15 kg पे आपको 5,700 रुपया पे करना पड़ेगा, और अगर आप 30 kg ले जाते हैं तो पूरे 11,400 रुपया आपको पे करना पड़ेगा अगर एक्स्ट्रा ले जाते हैं वजन। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी भी अगर आप फ्लाइट से आप जाते हैं तो एक्स्ट्रा मत ले जाइए, जितना बताया गया है उतना ही ले जाइए ताकि आपको जितना भी पैसा है उतना में ही आप सफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप चॉइस कर लें तो इधर से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट आप एक्सेस से ले जाते हैं तो इधर से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो चलो हम कुछ भी प्रोडक्ट कैंसिल एक्स्ट्रा नहीं ले जा रहे हैं, फिर इधर जो भी था मैं कैंसिल कर दिया हूँ। उसके बाद पहले आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद बता दूँ अगर आप इंडिगो में कोई भी सीट अपने मन का ले गए हैं तो आपको पैसा भी पे करना पड़ता है, यानी आप देखेंगे इसमें कुछ जो क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप मेडल लेंगे तो आपको पूरे 500 रुपया पे करना पड़ेगा, जितना पर रुपया लिखा गया है अगर आप रुपया वाला सीट अगर लेंगे आप सब तो आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई कोई जो सीट है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया गया है, जैसे कि पहला वाला बी वाला अगर आप लेते हैं आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा, ई पे 500 रुपया है, जिस तरह भी है जैसे मेड इन बीच वाला लेंगे अगर तो आपको 500 रुपया तक पे करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप फ्लाइट से जाना ही चाहते हैं ना फ्री वाला जो भी सीट इसमें अवेलेबल दिया गया है तो वो सीट लीजिए, जरूरत नहीं है आपको पैसा वाला देके ही सीट लेने की जरूरत, क्योंकि आपको इतना 5,000-6,000 रुपया आपको लगा ही है ऑलरेडी। उसके बाद 500 रुपया देकर आप सीट लेंगे तो इसके लिए आपको विंडो सीट लीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा, जो कि देखेंगे 5A में लिया हूँ तो हमको फ्री में मिल गया, यानी 1 रुपया हम एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं दिया हूँ और फ्री में जो मेरा एक सीट मिल चुका है। अगर मैं यही बी वाला लेता हूँ पहले वाला तो हमको 500 रुपया इधर से पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कभी भी जो लीजिएगा आप फ्री वाला लीजिए, जैसे कि मैं अभी देखिए मैं 8A का जो लिया हूँ 8A का विंडो वाला मेरा फ्री में मिला है, जो कि हमारे अभी देखो विंडो सीट है और विंडो सीट बहुत अच्छा लगता है जब आप फ्लाइट में जब सफ़र करेंगे तो आप विंडो सीट बहुत ही यूजफुल रहता है और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं आपको कभी भी आप लीजिए तो विंडो सीट ही लीजिए। उसके बाद देखेंगे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड भी इधर से आप यूज कर सकते हैं, साथ में पेमेंट करने के लिए UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, आप किसी भी वॉलेट से भी इधर से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग तो है ही। तो अभी तो मैं चलो आपको बताता हूँ किस तरह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप इंडिगो का अगर आप टिकट बुक कर लिए हैं तो क्या जी अभी मैं आपको वॉलेट के द्वारा बताता हूँ कि किस तरह से वॉलेट से पेमेंट करना पड़ता है। तो क्या जी इधर आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, अगर आपके पास मोबीक्विक वॉलेट है या पेजैप वॉलेट है तो आप सब आसानी से वॉलेट के थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं। चलो अभी मोबीक्विक वॉलेट के थ्रू मैं आपको पेमेंट करके दिखलाता हूँ। तो क्या जी आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा जो मोबाइल नंबर से आप अपना मोबीक्विक वॉलेट को यूज करते हैं।
उसके बाद फाइनली आपको मूवी क्विक पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक नीचे में ऑप्शन दिया गया है पे का, यानी अभी आपको 5,814 रुपया कटने वाला है मूवी क्विक वॉलेट से। तो चलो फाइनली मैं पे पे क्लिक कर देता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद गाइज फाइनली आपका पेमेंट गेटवे पे ये लेके जाएगा। पेमेंट गेटवे पे ले जाने के बाद एक देखेंगे इधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेंड ओटीपी का, यानी अभी आपको मोबिक्विक वॉलेट को एक्सेस करेगा इसके लिए एक ओटीपी की जरूरत पड़ता है। तो ओटीपी डालना कंपलसरी है, अगर ओटीपी आप नहीं डालेंगे तो आपको वॉलेट को जो है ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप भी जब तक आपको ओटीपी नहीं आता तब तक अपने ये वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ओटीपी की आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइज देखेंगे फाइनली हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद फाइनली आपको ओटीपी इधर फिल करना पड़ेगा। तो चलो गाइज फटाफट ओटीपी इधर से मैं फिल कर देता हूं। तो गाइस फाइनली मैं ओटीपी भी फिल कर दिया हूं। ओटीपी फिल करने के बाद कुछ हमको लोडिंग लिया जाता है। तो गाइस देखेंगे आप फाइनली आपको जो मोबिक्विक वॉलेट है वो एक्सेस हो चुका है। साथ में आपको मोबिक्विक वॉलेट में कितना बैलेंस है वो बैलेंस इधर आपका शो हो जाएगा। अगर आप बैलेंस आप मोबिक्विक वॉलेट में नहीं है तो आप इधर से भी क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे वॉलेट में पैसा है, तो इसको चलो फाइनली एस्केप कर देता हूँ यानी कैंसिल कर देता हूँ। आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन से या कोई भी कार्ड से इधर से पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का अपना टिकट बुक कर सकते हैं आसानी से। तो गाइस इस तरीके से अपना इंडिगो एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं और साथ में टिकट बुक कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये काफ़ी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप सब कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।